श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 15 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में ऐसी दो बड़ी खबर जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है उसकी भी जानकारी आपको आज के इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आप ये वीडियो शिवाली गरिमा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। साथ ही आज 15 अप्रैल सोमवार का दिन है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो ऐसे में हम शाम के समय कौन सा उपाय करें वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके घर में धन संपदा, व्यापार उन्नति और सुख सौभाग्य देखने को मिलेगा। पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि गुरुजी ने हाल ही में एक नए वीडियो को साझा करते हुए उसमें मैसेज को टैग किया है कि कौन कौन बाबा की कथा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और एक अन्य फोटो में गुरुजी ने और समीर शुक्ला जी ने सभी शिव भक्तों को मैसेज दिया, अब आएगा शिव भक्तों का सैलाब। ये दोनों मैसेज ये निश्चित हो गया है कि शिव भक्त गुरु जी के द्वारा शिव महापुराण कथा का इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, और नीमच बिलासपुर हाले कोसा के बाद आगामी कथा जो भी है वो रद्द नहीं होंगी और गुरु जी कथा करते नजर आएंगे। जैसे कि पहली कथा की घोषणा होती है उसकी भी जानकारी आप तक हम सबसे पहले जरूर पहुँचा देंगे। अब दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, 15 फरवरी 2024 से बंद हुए रुद्राक्ष वितरण की शुरुआत होने का समय आ गया है। 15 फरवरी से जो रुद्राक्ष वितरण बंद किए गए थे अब उनका समय शुरू होने वाला है। गुरुजी ने घोषणा की थी कि वो 15 मई 2024 से रुद्राक्ष वितरण शुरू कर देंगे और आपको पूरे साल भर रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। अब रुद्राक्ष वितरण 15 मई से शुरू होगा, इसकी घोषणा भी गुरुजी के द्वारा मई के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। इस रुद्राक्ष का इंतजार लाखों शिव भक्त कर रहे हैं अपने जीवन में उन्नति और रोग मुक्ति के लिए। आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि आपको किसका बेसब्री से इंतज़ार है, सीहोर कुब्रेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण का कि गुरु जी की शिव महापुराण कथा का, या दोनों का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के एक विशेष उपाय की ओर। आज सोमवार का दिन है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रदोष काल के समय हम क्या करें जिससे हमारे घर में धन वैभव संपदा बनी रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शाम को समय आपको एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है और उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करते हुए घी का प्रयोग करना है। एक दिया आपको लंबी बाती का बना लेना है और उसके अंदर आपको एक चावल का दाना रख लेना है। ध्यान रखिए, साबुत चावल का दाना आपको उस दिए के अंदर डाल लेना है। इसके बाद प्रदोष काल के समय वो दिया लेकर आपको वेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी निवास करती हैं, शिव जी पार्वती जी का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में जब नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है और हम सोमवार के दिन इस दिए को आप बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे लगा देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। श्री शिवाय नमस्तु में हम बोलते हुए आप वो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, साथ ही बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी की जरा सी रज आपको अपने घर में लाकर पटक देना है। जैसे हम हल्का सा जल का छिड़काव करते हैं, इस तरीके से उस रज का अपने घर में छिड़काव कर लेना है। कम से कम 5 सोमवार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपके घर में धन संपदा वैभव लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाएगी, व्यापार में चौगुनी वृद्धि होगी। आज के इन उपाय से जुड़े और वीडियो से जुड़े हुए मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के बॉक्स के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।